बहू मोटी हो गई। समर्थ और खुशी कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। पढ़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी दोस्ती में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया था। समर्थ, कल पापा ने लड़के वालों को बुलाया है। तुम सच में शादी के लिए तैयार हो खुशी? पापा बहुत दिन से शादी के लिए पीछे पड़े हैं। अब मेरे पास भी तो इनकार के लिए कोई वजह नहीं है ना। आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही होगी समर्थ। खुशी की शादी की खबर से समर्थ को एहसास होता है कि वो खुशी से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। समर्थ खुशी से अपने प्यार का इजहार करता है और वो दोनों शादी करने का मन बना लेते हैं। खुशी दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। जब समर्थ ने अपनी माँ को खुशी से मिलवाया तो वो तो उसे एक टक देखती ही रह गई। समर्थ बेटा, सच बताऊँ तो जब तूने कहा ना कि तूने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने तो मन ही मन सोच लिया था कि तू जिस भी लड़की को लेकर आएगा मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी, लेकिन खुशी को देखकर तो सच में मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं। इतनी सुंदर, बिल्कुल मोम की गुड़िया लग रही है ये खुशी। इसके आगे तो बड़ी सी बड़ी मॉडल भी फेल है। पतली, दुबली, लंबे खूबसूरत बाल और 5.5 फीट की लंबाई। बेटा, मेरे पास तो इनकार की कोई वजह ही नहीं बची। अब तू ना जल्दी से खुशी के मम्मी पापा से मुझे मिलवा दे, ताकि मैं झटपट इसे अपने घर की बहू बना कर ले आऊं। अरे वही ऐसी जापानी गुड़िया मेरे घर की बहू बनेगी तो मेरी तो शान में 4 चांद लग जाएंगे। खुशी, मुझे लग रहा था कि मम्मी को मना पाना बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल मोहित हो गई है तुम्हें देखकर। चलो अच्छा है, समझो आधी जंग जीत ली हमने। सासू माँ के तैयार होते ही जैसे उनकी शादी की सारी रुकावटें दूर हो गई थी। जल्दी ही खुशी और समर्थ की शादी हो जाती है और खुशी समर्थ के घर आ जाती है। अरे जामुनिया, कहाँ से लाई हो ये कश्मीरी सेब? अरे इसको देख देख कर तो मन ही नहीं भरता। हाय, इतनी सी कमरिया है बहू की, हमका तो लगा था साड़ी के वजन से ही नाल चक जाए। काकी देख लो, है पूरी रिश्तेदारी में हमारी बहू जैसी कोई बहू है? रिश्तेदारी क्या, हम तो कह रहे हैं हमारी खुशी के आगे ना ये सब हीरोइने भी फैल है। मुंह दिखाए के समय जो भी बहू रानी का चेहरा देखता उसके मुंह से यही निकलता, बहू रानी तो इतनी सुंदर है जैसे चांद का टुकड़ा। जमुनिया खुशी की सुंदरता पर खुशी से भी ज्यादा गर्व महसूस कर रही थी। एक दूसरे का साथ पाकर खुशी और समर्थ भी बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद, आप पापा बनने वाले हैं समर्थ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। खुशी की माँ बनने की खबर से समर्थ बहुत खुश हो गया था। कुछ दिन बाद उन्हें पता लगा कि खुशी एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली है। जुड़वा बच्चों के आने की खबर से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जुड़वा बच्चों के कारण खुशी का वजन अप्रत्याशित रूप से बढ़ता ही जा रहा था। 9 महीने बीतते बीतते उसका चेहरा और शरीर एकदम बदल गया था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि ये वही खुशी है जिसको देखने के बाद उसे नजर ही नहीं हटा करती थी। कुछ ही दिनों में खुशी जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। बच्चों के जन्म के बाद तो जैसे उसे अपने लिए वक्त ही नहीं मिल रहा था। एक तो बढ़ा हुआ वजन, ऊपर से अब वो पहले की तरह मॉडल के जैसे टिप टॉप भी नहीं रह पाती थी। कई बार तो उसे बालों में कंघी किए हुए भी 2-2 दिन हो जाते। अरे खुशी, ये क्या हाल बना रखा है तूने? शक्ल तो देख अपनी, कैसे कपड़े पहन रखे हैं और बाल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे चिड़िया का घोंसला हो। अरे मम्मी जी, चिंकी पिंकी की देखभाल करते करते मेरी ऐसी हालत हो जाती है ना, ना तो कपड़े बदलने का मन करता है, ना ही सजने संवरने का मेरे पास टाइम रहता है। अब मैं पहले बच्चों को देखूं या अपना श्रृंगार देखूं? क्या बात है खुशी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? समर्थ, डिलीवरी के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, लगता है बिल्कुल गंजी ही हो जाऊँगी। ऊपर से लंबे बालों की देखभाल के लिए मुझे समय भी नहीं मिल पाता। सोच रही हूँ बाल छोटे करवा लूँ। अरे इतनी टेंशन क्यों लेती हो तुम? तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगे तुम वैसा ही करो। समर्थ की बात सुनकर खुशी अपने लंबे बालों को कटवा कर छोटा कर लेती है। जिस खुशी की तारीफ करते हुए लोग थकते नहीं थे, अब वही रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग उसे देखकर अजीब अजीब से मुंह बनाते और उसका मजाक बनाते। एक दिन, खुशी मेरे फ्रेंड की शादी है, अब तो बच्चियाँ भी 6 महीने की हो गई हैं, तो चलो ना हम विद फैमिली शादी में चलते हैं। समर्थ की बात सुनकर खुशी भी उसके साथ शादी में पहुंच जाती है। अरे यार समर्थ, ये खुशी है क्या? तुम तो सच में बहुत बदल गई हो खुशी, लगता ही नहीं कि तुम वही खुशी हो जिसे हम 2 साल पहले तुम्हारी शादी में मिले थे। अरे यार, अभी जस्ट डिलीवरी हुई है, थोड़ा
थोड़ा समय लगता है ना, पर सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, किसी को ज्यादा वेट गेन होता है, किसी को कम। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। चलो खुशी कुछ खा लेते हैं, फिर हमें जल्दी निकलना भी होगा। जैसे ही खुशी और समर्थ वहां से जाने लगते हैं, पीछे से उन्हें दोस्तों के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे यार, कहां हमारा हैंडसम हंक समर्थ और कहां उसकी वाइफ खुशी? कौन कहेगा ये उसकी बीवी है? मुझे तो ये इसकी मम्मी लग रही है। अरे यार वजन छोड़ो, कपड़े देखो कैसे टेंट जैसे पहनकर आई है, ना ढंग का मेकअप ना ज्वेलरी, और बाल तो देखो कैसे लपेट रखे हैं। समर्थ के दोस्त खुशी का मजाक बना रहे थे, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर्थ, आपको मेरे साथ खड़े होने में शर्मिंदगी हो रही है क्या? क्या मैं इतनी बदसूरत और भद्दी हो गई हूँ कि ये लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? खुशी, बेकार की बातों को अपने मन से निकाल फेंको, कहने दो जिसे जो कहना है, तुम ध्यान मत दो। समर्थ ने कह तो दिया कि इन बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन घर आने के बाद भी कई दिनों तक खुशी के कानों में दोस्तों की कही हुई बातें घूम रही थी। अब खुशी समर्थ के साथ जहाँ कहीं भी जाती, लोग उसे एहसास करा ही देते कि अब वो समर्थ के साथ चलने लायक नहीं। कोई उसे समर्थ की माँ कहकर मजाक बनाता, तो कोई कहता ओवरएज लड़की के चक्कर में फंस गया समर्थ, उसे तो कोई अच्छी वाली मिल जाती। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब समर्थ ने खुशी को अपने साथ कहीं भी बाहर ले जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो ना तो अपने रिश्तेदारों से उसकी बात कराता और ना ही उसे कहीं बाहर घुमाने लेकर जाता। अगर कहीं शादी पार्टी में जाना भी होता तो उसकी सास और समर्थ ही जाते और खुशी घर में अपने बच्चों के साथ अकेली रह जाती। पहले मुझे लगता था समर्थ मुझे बहुत प्यार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है जरूर समर्थ का बाहर कोई अफेयर है, तभी तो मेरे साथ वो कहीं आना जाना पसंद नहीं करते। अगर बच्चे होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया तो इसमें मेरी क्या गलती? लोगों की बातें सुनकर कहीं समर्थ मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी तो नहीं कर लेंगे? हर गुजरते दिन के साथ खुशी नेगेटिव बातें सोच सोच कर डिप्रेशन में जा रही थी। एक तो पहले ही दो बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से समर्थ का बदलता व्यवहार उसे परेशान किए हुए था। एक दिन खुशी की ननद कीर्ति उनके घर आती है। क्या बात है भाभी, जब से मैं आई हूँ महसूस कर रही हूँ आप कुछ परेशान सी हैं, कुछ हुआ है क्या भाभी? कीर्ति के प्यार भरे शब्द सुनकर खुशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं आपको क्या बताऊं दीदी, जब से बच्चे हुए हैं जैसे मैं इस घर के लिए कचरा बन गई हूँ, जो इस घर में अब किसी को अच्छा नहीं लगता। अरे ये कैसी बात कर रही हो भाभी, बच्चा होना तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, बच्चा हो जाने से औरत कचरा नहीं बन जाती, आप अपने मन में ऐसी बातें क्यों ला रही हैं? माँ ने कुछ कहा है क्या आपसे? कीर्ति की बात सुनकर खुशी अभी तक हुई सारी बातें उसे बता देती है। मुझे तो यही लगता है दीदी कि जरूर ये मुझे छोड़ने वाले हैं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। भाई आपके साथ इतना बुरा नहीं कर सकते, आपसे ये उम्मीद मुझे कतई नहीं थी भैया। अरे भाभी ने इतने कष्ट सहकर बच्चों को जन्म दिया, वो दिन रात आपके बच्चों को पालने में लगी है, जिसकी वजह से उन्हें खुद पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता। ये समय तो हर औरत के जीवन में आता है भैया, आप विश्व सुंदरी से भी शादी कर लेंगे ना तो बच्चा होने के बाद उसकी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। तो क्या आपने सिर्फ भाभी के शरीर से प्यार किया था? उनका थोड़ा सा वजन बढ़ गया, बाल झड़ गए, तो वो आपके लिए आपकी खुशी नहीं रही? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पत्नी आपके बच्चों को पालने में अपनी पूरी जान लगा रही है। वो लड़की जिसकी खूबसूरती की सारी दुनिया कायल थी, आज वो अपनी खूबसूरती को निखारने की बजाय आपके बच्चों को निखारने में अपना दिन रात एक कर रही है। और अगर सच में आप भाभी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं ना भैया, तो मुझे इस बात पर जीवन भर शर्मिंदगी रहेगी कि मैं आपकी बहन हूँ। अरे मेरे तूफानी मेल, तुझे किसने कहा कि मैं खुशी को छोड़ने वाला हूँ? क्या बकवास किए जा रही है? मुझसे झूठ मत बोलो भैया, भाभी ने मुझे सब बता दिया है। तुम मुझे गलत समझ रही हो प्यारी बहना, मैं खुशी को अब अपने साथ पार्टी या डिनर पर इसलिए नहीं ले जाता क्योंकि वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। अगर कोई कुछ भी कह देता है तो वो कई दिनों तक वही बात सोच सोच कर अपना खून जलाती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे बाहर कम ही लेकर जाऊँ ताकि उसे दुख ना पहुँचे। और मेरे लिए मेरी पत्नी आज भी उतनी ही स्पेशल है जितनी कल थी। अरे मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ पगली। कीर्ति और समर्थ की बातें दरवाजे की ओर से सुनती खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो समर्थ, मैंने आपको गलत समझा,
मैं वादा करती हूँ आज की बात किसी की बातों को अहमियत नहीं दूंगी। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका साथ, बस। गलत फहमी दूर होते ही खुशी और समर्थ प्यार से एक दूसरे के गले लग गए थे। ये कहानी दो परिवारों की है, दो ऐसे परिवार जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। विपिन मिश्रा जिनके लिए समय ही सब कुछ था, घड़ी के कांटों के साथ विपिन जी और उनका परिवार चलता था, और दूसरी तरफ शर्मा जी का परिवार जिनका सुबह का नाश्ता 1 बजे होता था। अगवाई आलोक बाबा उठ जाइए ना, 12 बज गए हैं। क्या गंगू ताई तुम भी ना, 12 ही बज रहे हैं अभी, 5 ही जो सर पर चढ़ गई हो, अब जाओ सोने दो मुझे। तभी कमरे में प्रेरणा आती है। अरे गंगा तुझे बोला है ना मैंने आलोक को परेशान ना किया कर, इतना शोर करके तू उसे उठाने आई कि मेरी आंख खुल गई। अब जा अच्छे से कुछ तैयार कर, तब तक मैं सॉन्ग सुनती हूँ। मैं भी तो उठ ही गया हूँ मामा, चलो ना मूवी चलते हैं। ये थी शर्मा जी के परिवार की एक झलक, जहाँ लोगों को दिन रात की कोई सूद बूद ना थी, और एक था मिश्रा परिवार। 7 बज गए, ओ गॉड कितनी लेट हो गई हूँ मैं। पापा मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। बहुत नाज है मुझे मेरी गायत्री पर, एक पढ़े लिखे तहजीबदार लड़के से शादी पक्की करवाऊंगा मेरी गायत्री की। गायत्री जब कॉलेज से लौट रही थी तब आलोक की गाड़ी के सामने आकर गायत्री का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट कहीं जानबूझकर तो नहीं किया गया? आपका बयान लेने पुलिस वाले आ रहे हैं, प्लीज गायत्री मुझे बचा लो। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरी ही गलती है इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने तो मुझे हॉस्पिटल लाकर बचाया है। गायत्री आलोक को बचा लेती है। गायत्री की इस हरकत पर आलोक का दिल आ जाता है और वो गायत्री से शादी करने की ठान लेता है। विपिन की नामंजूरी के बाद भी गायत्री अपने पिता को मना ही लेती है। पापा शायद भगवान की यही मर्जी है कि मैं शर्मा परिवार की बहू बनूं और उन्हें सुधारूं। गायत्री की बात विपिन समझ जाता है और चट मंगनी पट ब्याह करके गायत्री शर्मा परिवार की बहू बन जाती है। शादी के दूसरे ही दिन सुबह 6 बजे। हे मनमोहन, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हे दामोदर। पहली बार शर्मा निवास में सुबह 6 बजे में आरती की आवाज आ रही थी। ये सुबह सुबह गाना कौन गाने लगा? सभी अपने अपने कमरों से निकलकर हॉल में आते हैं, जहां गायत्री आरती कर रही होती है। ये सब क्या है बहू? जो आज तक होना चाहिए था सासुमा। गंगुदाई आज से सुबह का नाश्ता 1 बजे नहीं 7 बजे बन जाना चाहिए, और तब तक किसी ने ना खाया हो तो फिर उसे लंच ही मिलेगा। अरे ये क्या कह रही हो तुम गायत्री? वही जो आपने सुना, चलिए नहा लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गीजर का पानी भी नसीब ना हो। गायत्री पूरे घर की लगाम अपने हाथों में ले लेती है। शर्मा जी के घर में कोई खास इज्जत तो थी नहीं, यूं तो वो बहुत तमीजदार थे, पर घर पर उनकी कोई सुनता ही नहीं था। दोपहर के वक्त खाने पर, पापा जी मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्या आप फाइल्स दिखा सकते हैं मुझे? चलो कोई तो है जिसे याद है कि हमारा बिजनेस भी है जो घाटे में जा रहा है। जब घर पर लोग इतने लापरवाह होंगे तो ये तो होना ही है ना पापा जी। अब मैं आ गई हूँ ना, डोंट वरी, उंगलियों पर गिन लूँ इतने लोग हैं घर पर। और छिनो कर आप सबको कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। गंगूताई बस आप ही आया करोगी काम पर, बाकी मैं और मम्मी जी मिलकर कर ही लेंगे। ये कैची जैसी जबान मेरे आगे मत चलाना लड़की, 2 दिन हुए नहीं कि नाटक शुरू कर दिया। वैसे बयान तो मैं अब भी दे सकती हूँ मम्मी जी कि मेरा एक्सीडेंट आलोक की लापरवाही से हुआ था। पर क्या है ना, घर की बात घर पर ही अच्छी लगती है ना मम्मी जी? गायत्री यूं तो बहुत सीधी थी मगर होशियार थी। वो समझ गई थी कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं कि शर्मा परिवार रोड पर आ जाए। घर वालों को पैसे की अहमियत और वक्त की कदर समझाने की अब गायत्री ने मानो ठान ली थी। अगली सुबह, मम्मी जी 6 बज गए, उठ भी जाइए, हमें नाश्ता भी तैयार करना है। क्या 6 बज गए? 10 बजे सोए होते तो उठने में इतनी दिक्कत ना होती। 4 बजे सोती है ना आप?
तो दिक्कत तो होनी ही है। गायत्री नाश्ता तैयार करके आलोक के साथ ऑफिस निकल जाती है। आलोक का मन जरा भी काम में नहीं लगता, फिर भी गायत्री उसे ऑफिस में बैठने की आदत डलवाती है। पापा जी, बिजनेस की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गायत्री घर पर सब संभालने के साथ साथ ऑफिस में भी दिन रात काम करती, पर प्रेरणा और आलोक की अय्याशियों को पूरा करने में अब बिजनेस इतने घाटे में था कि क्रेडिटर्स अपने पैसे मांगने पर उतारू हो गए। हमारा घर नीलाम हो रहा है प्रेरणा। ये सुनते ही अभी तक गायत्री की बातों को बोझ समझने वाले प्रेरणा और आलोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब मुझे काम में ध्यान देना चाहिए था, मैंने वो वक्त सोने में गवा दिया। आप ठीक कहते थे पापा, खाते खाते तो पैसे का ढेर भी खत्म हो जाता है। इतना काम तो गायत्री ने मुझे सिखा ही दिया है, मैं भी कुछ करूंगा पर घर बिकने नहीं दूंगा। मैं भी अपने सारे बेफिजूल खर्चे बंद कर दूंगी। मेरे डायमंड नेकलेस बेच दो, क्रेडिटर्स को पैसे लौटाना जरूरी है, ज्वेलरी तो मैं बाद में भी खरीद सकती हूँ। पूरा परिवार बिजनेस को बचाने में लग जाता है और शर्मा निवास बिकने से बच ही जाता है। गायत्री का गृह प्रवेश ना होता तो शर्मा निवास कब का नीलाम हो जाता। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है।